एप्लीकेशन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। क्वेश्चन है कि एक डिस्क, रिंग और स्फेयर है, इनको रिलीज कर दिया एक इंक्लाइन प्लेन से। इंक्लाइन प्लेन की हाइट क्या है? h। क्या करना है? फाइंड वेलोसिटीज ऑफ सेंटर ऑफ मास जब वो बिल्कुल बॉटम पे पहुंचेंगी। अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे ऐसा ना पूछूं और ऐसा पूछूं, एक ब्लॉक को लॉज ऑफ मोशन स्लाइड कर दिया हाइट h से, और जब ये नीचे पहुंचा तो क्या आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं? तब क्या लगाएंगे? कई लोग तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे और कई लोग काइनेमेटिक्स लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, और एक्सीलरेशन को जी साइन थीटा पुट करेंगे। दोनों सही हैं। तो जो लोग इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे वो लोग इसको ऐसे करेंगे सॉल्व, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इक्वेट कर देंगे। पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे? एम जी एच। काइनेटिक यहाँ पर क्या था? जीरो। पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो जाएगी? जीरो। और काइनेटिक क्या जाएगी? हाँ, इक्वेट करके वी की वैल्यू आ जाएगी, बातें खत्म है, राइट। सेम काम इसमें करना है, इसके अंदर वही चीज़ हो रही है। क्या बस फर्क ये है कि इंक्लाइन प्लेन से तीन बॉडीज क्या करती हुई आ रही हैं? रोल। हाँ, तो कोई बात नहीं, रोल करवा लो। तो आप पोजीशन नंबर वन एंड टू पे क्या लगाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम करना है, बस फर्क यह है कि काइनेटिक में यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर नहीं पुट करना, क्योंकि बॉडी स्लाइड नहीं कर रही, इसमें रोल कर रही है। तो क्या पुट करना है? हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये देखो, चेक करो, वन पोजीशन पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? एम जी एच। काइनेटिक क्या होगी? जीरो। तो चेक कर रहे हो एम जी एच एंड जीरो, और लोअर मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? जीरो, और काइनेटिक में हाफ एम वी स्क्वायर नहीं, बॉडी रोल कर रही है। तो रोल की टोटल एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एम से एम कैंसल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्लियर है। तो इसके अंदर अगर कोई तीन बॉडीज हैं तो तीन बॉडीज का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पुट कर दो, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ पुट करोगे तो डिस्क का आंसर आएगा। ऐसी अगर रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वन पुट करोगे और ऐसी स्फीयर का पुट करोगे आंसर आएगा। अब एक स्टूडेंट कहता है कि मेरे को एनर्जी कंजर्वेशन नहीं क्लिक किया। कोई बात नहीं, मत लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन। तो फिर वो स्टूडेंट ऐसे कर ले, ये देखो वो क्या करेगा, ये एंगल थीटा ले लेगा, ये एच ले लेगा। ये बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है, जब ये नीचे आएगी तो इसका सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होगी? जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। और उसको क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वो क्या लेगा? जीरो। तो इक्वेशन लगा लेगा, वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। ये डिस्टेंस कितना लेगा? एस। लेकिन गिवन क्या है? एच। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू कंसिडर करेगा एच डिवाइडेड बाई एस। तो एस की वैल्यू क्या आएगी? एच डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो यहां वैल्यू पुट करेगा, ये वैल्यू उसको निकालनी है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जी साइन थीटा वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, और एस की वैल्यू एच अपॉन साइन थीटा। चेक कर लो, आपका आंसर वही आएगा जो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से लगाया। तो मेरे को जो बेटर लगता है वो एनर्जी कंजर्वेशन लगता है। कौन ही यार, पहले एस लेगा, फिर एच लेगा, फिर काइनेमेटिक्स लगाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेगा, इट्स बेटर। तो इसलिए आप नोट करेंगे मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन ही लगा रखे हैं, पर मैं करके दिखा रहा हूँ कि अगर घर पर अगर आपको करना पड़ जाए या आपको नहीं क्लिक किया तो आप अपना क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है यहाँ तक? पर आई होप एनर्जी वाला ज़्यादा कॉन्सेप्ट ठीक है। तो इसके अंदर ये आंसर आ गया आपके पास। एक सपोज करो आपके पास, हाँ ये क्वेश्चन पहले करेंगे, सेम क्वेश्चन है। एच हाइट है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, एच हाइट से हमने इसको रोल करवा दिया और आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है सॉलिड स्फीयर की। सेम क्वेश्चन है, क्या अप्लाई की? एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है? एम जी एच। काइनेटिक तो होगी नहीं,
और नीचे सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक होगी, बॉडी रोल कर रही है, पोटेंशियल तो होगी नहीं। इन्हें इक्वेट कर लेना, सॉलिड स्फीयर में के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या पुट कर लेना, 2/5। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो निकाल लेना आंसर है। मेथड समझ में आ रहा है? आप सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते जाएं, फिर एक दो शीट्स करेंगे, अभी शुरू करेंगे, वहाँ से आपने इन चीज़ों को अप्लाई करके देखना है सारा, ठीक है? और क्योंकि अभी मैंने करवाया तो दो चार क्वेश्चन तो मुझे करके दिखाने ही पड़ेंगे, तभी आप सोच पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? एन एनर्जी ऑफ 485 जूल इज स्पेंड इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील फ्रॉम 60 RPM टू 460 RPM। एक फ्लाई व्हील घूम रहे, पहले 60 RPM से घूम रहे और मैंने कुछ एनर्जी स्पेंड करके उसको तेज तेज घुमाना शुरू कर दिया। ये क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी RPM, इसको 60 से डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी, और 2π इंटू फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा और यहाँ से ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड। क्या निकालना है? फाइंड मोमेंट इनर्शिया ऑफ अ व्हील। इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको वर्क पर एनर्जी में कौन सा टॉपिक याद आ रहा है जिससे आप इसको रिलेट कर सकते हो, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? टॉपिक का नाम नहीं, नहीं सब टॉपिक का नाम जो कि जिससे वर्क एनर्जी थ्योरम, मैंने वर्क डन किया और चेंज इन लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv² - ½ mv² इसमें क्या हुआ? मैंने एनर्जी स्पेंड की या वर्क डन किया जिससे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ i ω² और इनिशियल कितनी? ½ i ω² तो चेंज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज ई। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो ये बेसिकली मैंने क्या अप्लाई किया? वर्क एनर्जी थ्योरम ही अप्लाई की इन रोटेशनल मोशन। तो मेरे को मेरे क्वेश्चन में क्या गिवन है? 485 जूल की एनर्जी मैंने स्पेंड की या वर्क डन किया। मेरे को साथ में क्या गिवन है? 60 RPM पहली फ्रीक्वेंसी गिवन है। हम RPM में काम नहीं करते, RPS में करते हैं, तो इसको 60 से डिवाइड करके RPS, ओमेगा वन क्या होगा? 2π × फ्रीक्वेंसी, इतने रेडियंस पर सेकेंड। फिर ऐसी ω2 460 RPM है, 60 से डिवाइड करके RPS और फिर ω2π × फ्रीक्वेंसी से आंसर। ये भी क्लियर है? नेक्स्ट है एनर्जी का ये फॉर्मूला कि चेंज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल माइनस इनिशियल। आपको ई पता है, आपको ω2 पता है, आपको ω1 पता है, सॉल्व करके आई कैन बी कैलकुलेटेड। तो मेथड समझ में आ रहा है? सिंपल, कुछ नहीं करना आपने इसमें, बस चेंज ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट्स इट। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो आई होप ये आप इसको रिलेट कर पाएंगे, आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना। तो मैं इसमें जस्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे बॉडी जिसका मास m है एंड रेडियस r है और ये क्या कर रही है? रोल करती हुई आ रही है, कहाँ? विद द वेलोसिटी ऑफ v, और ये वेलोसिटी किसकी होगी? सेंटर ऑफ मास की। जब हम बोलते हैं एक बॉडी रोल कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो वो वेलोसिटी हमेशा किसकी ली जाती है? सेंटर ऑफ मास की। ठीक हो गया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। वो कह रहे जी अब नीचे नहीं उतरी, अब वो ऊपर चढ़ गई और इंक्लाइन प्लेन की कितनी हाइट कवर कर गई? 3v² / 4g कवर कर गई और यहाँ पे आके रुक गई। ठीक है, मैक्सिमम यहीं तक चढ़ पाई बस। आपको बताना है इसमें कि आई की वैल्यू कितनी है। तो अगर बॉडी ऊपर से नीचे उतरे या नीचे से ऊपर जाए, एनर्जी कंजर्वेशन, तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक यहाँ पे और यहाँ पर इक्वेट कर दें। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगी? जीरो। काइनेटिक क्या होगी? ½ mv² × 1 k² / r². क्लियर है यहाँ तक? पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक ½ mv² × 1 k² / r². ऊपर जाके सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल mgh, और h का मतलब है 3v² / 4g, mgh और काइनेटिक क्या हो जाएगी? जीरो। आप इन्हें इक्वेट कर देना, m से m कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके k² / r² कितना आ गया? हाफ। और जिस बॉडी का k² / r² हाफ है उसका मोमेंट इनर्शिया ½ mr² है, यानी कि ये बॉडी या तो डिस्क है या ये सिलेंडर है, कुछ भी मार्क कर देना। पॉइंट समझ में आ रहा है? लॉजिक क्लियर है इसमें? तो आप यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे? k² / r² सही है।
तो अप्लाई क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन। कोई डाउट इसमें? जैसे ये भी किया था सर्कुलर में, पर चलो इसको बाद में करेंगे, अभी दो मिनट रुको। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत जगह मिल जाएगा आपको इसका कॉन्सेप्ट। वो ये कहेगा, मान लो एक हॉलो स्फेयर है, खाली स्फेयर है, खाली या हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/3 mr². सॉलिड स्फेयर का 2/5 होता है, हॉलो का 2/3 होता है, 2/3 mr². तो एक बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही थी, रोल नहीं कर रही थी, रोटेट कर रही थी अपने एक्सिस पे, तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? ½ i ω² बस, ½ mv² k² / r² नहीं थी, वो तो तब यूज करते हैं जब रोलिंग होती है। इस केस में एक बॉडी खड़ी खड़ी घूम रही है और वो एकदम सडनली रुक गई। अब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी रोटेशनल की, वो कहाँ गायब हो गई? गायब तो हो नहीं सकती, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट हो गई और आपकी जो बॉडी है वो गर्म हो गई। तो आपको ये बताना है उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, राइट? उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, ये क्वेश्चन है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो बॉडी के पास अभी कौन सी एनर्जी है? ½ i ω², घूमती घूमती बॉडी रुक गई, तो सारी एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हीट की फॉर्म में डेवलप हो गई, और स्पेसिफिक हीट इस क्वेश्चन में सी गिवन है। तो आई होप सबके केमिस्ट्री के अंदर ये डिस्कस हुआ स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट। बस मैं इतना बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो पूरा चैप्टर करवाना है स्पेसिफिक हीट का, मुझे पता नहीं केमिस्ट्री में कितना है, पर फिजिक्स में तो पूरे चैप्टर का नाम ही स्पेसिफिक हीट है, तो मतलब इसको तो हम बहुत ही डिटेल में यूज़ करेंगे। एक महीना आपको ये फील होगा कि केमिस्ट्री की क्लास, थर्मोडायनेमिक्स तो पूरा केमिस्ट्री की तरह चलेगा, लेकिन थोड़ा मैथमेटिकल चलेगा, इंटीग्रेशन बेस्ड चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो पिस्टन धीरे धीरे वर्क डन करता है, तो वेरिएबल वर्क डन उसमें फोर्सेज होती हैं, वह इंटीग्रेशन काम आती हैं। फिलहाल अभी के लिए देखो, इसके अंदर आपको शायद ये चीज़ पता होगी कि हीट जो है उसको मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। नॉर्मली तो हीट की मेजरमेंट किस में की जाती है? कैलोरीज में, पर कभी कभी हम जूल भी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो कैलोरीज है और जूल है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट कि अगर मान लो एक बॉडी को 10 जूल हीट चाहिए अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए, मैं उसको 10 जूल की जगह 10 कैलोरी दे देता हूँ, बात एक ही है? हाँ, कैसे कह सकते हैं कई स्टूडेंट, मतलब मैं तुम्हें 100 रुपया ना दूँ, 100 पैसे दे दूँ, कोई फ़र्क ना पड़ता तुम्हें, मतलब यूनिट से फ़र्क तो पड़ता ही होगा, और अगर नहीं फ़र्क पड़ता था तो दो साइंटिस्ट लड़ना पड़ते, एक कैलोरी और एक जूल, ऐसे कैसे होगा? फ़र्क तो है ही, और शायद आपको कन्वर्जन भी सिखाई होगी। तो बताओ 5 जूल हीट है, कैलोरीज कितनी होंगी? 5 / 4.2, ओके, 5 / 4.2 करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैलोरीज में, तो 4.2, राइट? और ऐसी अगर 5 कैलोरीज है तो 5 × 4.2 करेंगे तो ये आंसर किस में आ जाएगा? जूल्स में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये काम कन्वर्जन का एक साइंटिस्ट ने किया था, जिसका नाम क्या था? जूल्स, जूल्स, तभी तो नाम जूल्स है। इसे, इस नंबर को कभी कभी कई ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जूल्स इक्विवेलेंट का नाम दिया जाता है, जे। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव के अंदर आप देखेंगे वहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन में जे लिखा होता है, आप कहते हैं जे कहाँ से आ गया, जे कुछ नहीं है, वो 5/j कर देगा, 5/j कैलोरी, मतलब वो कहता है कि तुम्हें स्टूडेंट को अगर नहीं भी याद 4.2 तो कोई बात नहीं, तुम मेरी तरफ से इसको जे मान लेना, इसको वो फैक्टर बोलते हैं जिससे कि जूल कैलोरी में और कैलोरी जूल में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे यहाँ पर 5 × j लगा लेना, बस वो कहता है नाम ही चलता है, बहुत है, मेरा नाम लगा देना जूल, कहता है तो कन्वर्जन हो जाएगी। फिर इसमें कभी कभी ऐसा लिखा जाता है, पर एक्चुअल में 4.2 ही होती है इसकी वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? और दूसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर मुझे डेल्टा थीटा या डेल्टा टी इंक्रीज करवाना है, उस बॉडी का मास अगर एम है, स्पेसिफिक हीट उसकी सी या एस है, कुछ भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे कितनी हीट उसको देनी पड़ेगी? Q = mc Δθ। क्या ये केमिस्ट्री में सुना हुआ है? सीधा ही फॉर्मूला कर लिया, ठीक है, ऐसा सुना हुआ है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? हाँ, अमाउंट ऑफ हीट
रिक्वायर्ड बाई अ बॉडी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस. सही है, सही है. फिर ये फॉर्मूला कैसे आया? मास से मल्टीप्लाई किया. सही है, बिल्कुल ठीक. मतलब ऐसा ही किया, बहुत सिंपल है. स्पेसिफिक हीट का जो कॉन्सेप्ट है वो 1 kg के लिए वैलिड है. अगर आपका सब्सटेंस 1 kg है और आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवाना चाहते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी है? सी. ये बेसिक डेफिनेशन है. और लेकिन कोई स्टूडेंट कहता है सर मेरे पास तो मास ही mkg है, तो मेरे को कोई बात चिंता क्यों करता है, m into c कर दे. पर टेम्परेचर कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी हीट रिक्वायर्ड कितनी है? m into c. कोई कहता है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर राइज करवाना है mkg को तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी है? m into c. लेकिन कोई कहता है मेरा टेम्परेचर तो डेल्टा थीटा है, तो अब मैं क्या करूं? तो mc डेल्टा थीटा कर दे, ये अमाउंट ऑफ टोटल हीट आ गई. तो इसलिए फॉर्मूला आ गया हीट इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा. तो यानी कि जब मास भी है और राइज इन टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर दोनों चीज़ें से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. क्लियर है? तो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि होलोस्फेयर है, जैसे मैंने बताया वो घूम रहा था, घूमते घूमते रुक गया, उसकी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई. पहले ये बताओ उसके पास एनर्जी थी कितनी घूमते घूमते? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो ये लो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. सही है. और एकदम रुक गया, सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में. अब हीट एनर्जी कितनी है? mc डेल्टा थीटा. जो हीट है वो mc डेल्टा थीटा. तो मैंने इक्वेट कर दिया, ये सारी एनर्जी गायब होगी, इसमें मिल गई, कन्वर्ट हो गई. पर एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर जे लिखा होगा ऑब्जेक्टिव में. मतलब एक बात पक्की है, हम आज तक जो भी काइनेटिक एनर्जीज करते आए हैं उसके यूनिट्स क्या रहे हैं? हमेशा जूल्स. पर जो थर्मोडायनेमिक्स है, जो हीट है, उसके यूनिट किसके स्टैंडर्ड रहते हैं? कैलोरीज. तो अगर राइट साइड मैंने कन्वर्ट किया जूल्स, लेफ्ट हैंड साइड तो जूल चल रहा था, राइट हैंड साइड मैंने क्या कर दिया? कैलोरीज, क्योंकि हीट है. अब मैथमेटिकली इक्वेशन ही अलाउ नहीं करती, लेफ्ट पे जूल है राइट पे कैलरी है, तो कन्वर्जन करना चाहिए. या तो कैलरी वाली टर्म को जूल में कन्वर्ट कर लो, या जूल वाली टर्म को कैलरी में कन्वर्ट कर लो, तो कुछ भी एक कर लो. तो जैसे ये जूल है, इसको मैंने जे 4.2 से डिवाइड कर लिया. मतलब मैंने मन में सोचो जे का मतलब 4.2 है, तो ये अपने आप टर्म किस में आ गई? कैलरी. अब सही है, ये भी कैलरी और ये भी कैलरी, कन्वर्ट हो गया. तो इसके अंदर आए होलोस्फेयर का क्या होता है? 2/3 mr2. इक्वेट कर दिया, मास से मास कैंसल, डेल्टा थीटा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. ये ऑप्शन में मार्क कर लेना, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आते रहेंगे. तो आइडिया क्लियर है यहाँ तक कि कैसी एनर्जी को, किस एनर्जी को किस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया और इसको कैसे करना है? ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, ऑब्जेक्टिव शीट्स ओपन करें अपनी.